क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया है, अ प्लेन साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एल्फा वन, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन एल्फा टू, स्नेल्स लॉ अगर वैलिड है तो कौन सा रिलेशन वेरीफाई होगा। तो हमें पता है कि साउंड में, साउंड की स्पीड अगर लेट से वी है तो ये वाटर में ज्यादा होती है एयर की तुलना में, करेक्ट। और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंगल तो एंगल वहां पर ज्यादा होता है जहां पे स्पीड कम होती है, जहां पे स्पीड कम होगी वहां पे एंगल ज्यादा होता है, रेयर मीडियम में एंगल ज्यादा होता है, रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है, तो जहां पर स्पीड ज्यादा है वहां पर एंगल ज्यादा होगा, तो वाटर में एंगल ज्यादा होगा एयर में कम होगा। एयर टू वाटर जा रही है यानी रिफ्रेक्शन वाटर में होगा और उसका एंगल है एल्फा टू, तो एल्फा टू वाटर वाला एंगल है और एयर वाला एंगल है एल्फा वन, तो एल्फा टू ग्रेटर देन एल्फा वन, ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास